नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, जैसा कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जेड प्लांट की, कि इसे रिपोर्ट कैसे करें नर्सरी से लाने के बाद, और किस तरह की सॉइल मिक्स में हमें इसे लगाना है और कैसा पॉट साइज लेना है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे वीडियो में। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि नर्सरी से हम कोई पौधा खरीद के ले आते हैं और उसे जब हम रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के कुछ दिन बाद वो पौधा हमारा पहले तो ग्रोथ नहीं करता, फिर सूख जाता है धीरे धीरे। तो उसे कैसे रिपोर्ट करना है, क्या सावधानियां बरतनी हैं, किस तरह से केयर करके उसे हमें रखना है और रिपोर्ट करने के बाद उसकी केयर कैसे करनी है, तो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये मेरा जेड प्लांट है जो करीब मैं 10 दिन पहले नर्सरी से लेके आया था, आप देख सकते हैं। तो मैंने 10 दिन से इसे इसी नर्सरी वाले पॉलीथिन में ही रख रखा है। इसमें बस मैं वाटरिंग करता रहता हूं तो मिट्टी में मॉइस्ट बना रहे, और चूँकि मैं इसे तुरंत भी रिपोर्ट कर सकता था, पर क्या होता है कि नर्सरी के उससे हम लेके आते हैं वहाँ से, वेदर से, वहाँ के एटमोसफेयर से, तो पौधा थोड़ा तुरंत रिपोर्ट करना सही नहीं रहता है। तो मैंने इसे 10 दिन का टाइम दिया, ये यहाँ पे सेट हो गया है। अब मैं इसे रिपोर्ट करूँगा। रिपोर्ट करने के लिए मैं ये बोंजाई पॉट का यूज़ करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा पौधा नहीं है मेरा। तो ये देखिए, ये बोंजाई पॉट मेरा सफिशियंट है उसके। इसमें एक ड्रेनेज होल है, थोड़ा बड़ा होल है, काफ़ी अच्छा है, और इस ड्रेनेज होल को हम कवर कर देंगे इस तरह किसी ठीकरे से। अब दोस्तों, इसके बाद का जो प्रोसेस आता है वो आता है हमें मिट्टी कैसे बनानी है। तो मिट्टी के लिए मैंने, देखिए दोस्तों, ये मेरी काउडंग कंपोस्ट और वर्मी वो कोकोपीट का मिक्सचर है जो मैं पहले यूज कर रहा था सीडलिंग के लिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो मैं प्योर कोकोपीट लेने की बजाय मैं उसी सीडलिंग मिक्स को यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं ये देखिए नदी की रेत जो पीली वाली है, ये रेत, और उसके अलावा मैं काउडंग कंपोस्ट और अलग से, तो करीब 40% के आसपास मैंने ले लिया है बजरी रेत, और बाकी के बचे 60% में 30% सीडलिंग मिक्स मेरी जो पुरानी, जिसमें कि काउडंग कंपोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर है, और बाकी का 30% काउडंग कंपोस्ट मैंने लिया हुआ। अब इसमें रेत का जो काम होता है वो बहुत ही ज़रूरी है। रेत हमारे जो सीडलिंग मिक्स होता है उसको जो ड्रेनेज सिस्टम है काफ़ी अच्छा बनाता है, तो पानी रुकेगा नहीं, कहीं लगेगा नहीं, तो रूट्स डैमेज नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो जो हमारे जेड प्लांट हैं इनको मॉइस्ट तो चाहिए पर पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हम बजरी मिलाते हैं। और जो हम कोकोपीट है, कोकोपीट जो हमारा है वो वाटर होल्ड करेगा, तो इसमें कोकोपीट की मात्रा काफ़ी अधिक है तो इसलिए हमने इसको ले रखा है। और जो न्यूट्रिएंट्स के लिए है वो हमने काउडंग कंपोस्ट ले लिया है। तो इन तीनों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद दोस्तों वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि पौधे लगाने के बाद हमें जो वाटरिंग करते हैं तो हमें नॉर्मल वाटर नहीं देना है फर्स्ट टाइम, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम वाटरिंग करते हैं और कुछ फंगस होते हैं जिसकी वजह से पौधे निकल नहीं पाते, उभर नहीं पाते और ख़राब होने लग जाते हैं, तो उससे भी बचना है। तो इस प्रकार देखिए, हमारी ये सॉइल मिक्स तैयार हो गई है और इसे हम अब इस पॉट में भर लेंगे। अब दोस्तों, इसको हमने आधा भर लिया है। आधा भरने के बाद अब हम इसको पूरा नहीं भरेंगे, अब हम आ जाते हैं अपने पौधे पे जिसे कि हमने रिपोर्ट करना है। तो इसकी हम जो पन्नी है पॉलीथीन, इसको हटाएंगे, और मैं दिखाऊं आपको कि जो नर्सरी वाले हैं, मैं अक्सर बताता हूं कि ये चिकनी मिट्टी में पौधों को लगा के रखते हैं, तो हमें क्या करना है, हल्के हाथों से इससे जो मिट्टी है इसे निकाल लेना है। जब वाटरिंग किए रहेंगे आप तो मिट्टी अच्छे से आसानी से निकल जाएगी इसकी जड़ों से, जड़ों को डैमेज नहीं करना है। ये देखिए, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो जितनी मिट्टी निकाल सकते हैं उतनी निकाल लीजिए रूट से। ये देखिए दोस्तों, मैंने लगभग 90% मिट्टी इससे निकाल ली है अपने इस प्लांट से, तो मैं इसे साइड कर देता हूँ। लाल मिट्टी है, देखिए आप, हमारी फर्श भी लाल हो गई है, तो इसे हमने निकाल लिया है अच्छे से। अब हम पॉट में दोबारा से इसे सेट करेंगे, थोड़ी सी जगह बना के।
जी देखिए अच्छे से इसे सेट करके फिर हम चारों तरफ से जो हमारी सीडलिंग मिक्स पॉटिंग मिक्स हमने बना रखा है इसे भर देंगे। और अच्छे से दबा देंगे ताकि पौधा अच्छे से सेट हो जाए। देखिए दोस्तों इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे। और करना क्या होता है दोस्तों कि हमें रूट्स जो पौधे की जो तना है वहाँ पे पानी नहीं लगने देना है, तो थोड़ा सा वहाँ पे हम ऊंचाई कर देंगे इस प्रकार से टाइट दबा देंगे और वहाँ ऊंचा कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पौधा लग के रेडी हो गया है। अब इसमें हमें करनी है वाटरिंग। वाटरिंग करने में आपको पता चलेगा कि आपका जो पौधा आपने लगाया है उसकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छी है कि नहीं। जब भी आप वाटरिंग करेंगे इसमें तो जो पानी हम डालेंगे वो पानी तुरंत ड्रेन होके जो नीचे ड्रेनेज होल होता है उस रास्ते बाहर निकलने लगता है। अब दोस्तों आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो वाटरिंग करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें नॉर्मल वाटर लेना है। और मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखिए हमने केन में नॉर्मल वाटर ले लिया है और इसमें हम मिलाएंगे करीब एक चम्मच के आसपास, ये हमारा ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड पाउडर है, तो हम इसको एक चुटकी इस पानी में मिला लेंगे और इस घोल को हम मिला के इस पौधे में देंगे। अच्छे से इसको चला लेंगे मिला के। जी इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम पौधा लगा रहे थे तो मिट्टी में या फिर जो फंगस कहीं से भी आने के चांसेज होते हैं तो वो फंगस नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट टाइम ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टाइम से आप नॉर्मल वाटर दीजिए। अब आप देखिए मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम मैं आपको दिखाऊं कि मैंने पानी पूरा डाला हुआ है, अब आपको पानी कहीं भी नज़र नहीं आएगा, पूरा पानी नीचे बैठ गया है और इसके ड्रेनेज होल से आप देखिए सारा पानी जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप जेट प्लांट को लगाइए और इसके बाद लगाने के बाद इसे एक से दो दिन आप शेडेड प्लेस में रखिए, फिर आप इसको सनलाइट में रखिए। जेट प्लांट को करीब दिन में 3 से 4 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। 3-4 घंटे की धूप अगर दिन में आप इसको देते हैं तो ये आपका पौधा काफ़ी अच्छे से चलेगा और बहुत ही अच्छा बूसी पौधा होगा। आप इसका चाहे तो बोंजाई भी बना सकते हैं और ये पौधा काफ़ी शुभ पौधा माना जाता है, तो ज़रूर अपने घर में लगाएं। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।